नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मौर्या में। आज मैं मास्टरिंग का एक और प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है GRP, जो कि वेव प्लगइन्स का है और उसका नाम है GRP। मास्टरिंग में जाइएगा, GRP नाम लिखा होगा, जैसे कि मैं थंबनेल पे दिखाया हूं उसी प्रकार का ये आइकन दिखाएगा आपको। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है मास्टरिंग में। उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो आपके बीच हरदम लाता रहता हूं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं उसको कैसे मास्टरिंग में यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट ले लिया हूँ और इसमें एक वोकल ले लिया हूँ और वोकल में देखिए मास्टरिंग में कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाना है और मिक्सर 3 में और मास्टरिंग में जा रहा हूँ मैं, मास्टरिंग में लगाने। यहाँ पर देखिए मास्टरिंग है, वेव प्लगइन्स का है ये। और यहाँ पर देखिए स्टेरियो लगाया जाता है, GRP स्टेरियो लगाइएगा। मान लीजिए कोई भी और मास्टरिंग कर रहे हैं किसी में भी, तो स्टेरियो में ही लगता है, याद रखिएगा। तो स्टेरियो में ले लिया और इसमें देखिए, ये बहुत ही बढ़िया एक ऐसा प्लगइन है जिससे वोकल भी आप मिक्स कर सकते हैं। मैं क्योंकि वोकल में भी इसको यूज करता हूं, तो देखिए यहां पर है ये तरीका सा फीचर है। और यहां पर बहुत सारा नॉब्स दिया है, यहां पर भी मास्टरिंग वास्टरिंग बहुत सारा चीज दिया है। देखिए यहां पर कीजिएगा तो इस तरीके से बहुत सारा दिया है, तो इस पे छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रीसेट इसका दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए लोड में जाइएगा और यहाँ पर नहीं और आपको दे रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा फुल रिसेट दिया हुआ है, इसमें जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना है RB पॉप मास्टर, मास्टरिंग में जाना है और यहाँ पर कर देखिए इस तरीका से हुआ। इस पर छेड़छाड़ कीजिए, इसमें देखिए इस तरीका से ये सब छेड़छाड़ हो रहा है। यहाँ पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें हाई कट दिया है, लो कट, मिड, बहुत सारा चीज दिया है, कंप्रेसर आउटपुट, और यहाँ पर बहुत चीज दिया है, यहाँ पर आउटपुट इनपुट सब चीज दिया है। तो इसमें देखिए छेड़छाड़ कितना कितना क्या क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, कम से कम आपको करना है 15 और 14 के बीच में। मान लीजिए कि मैं इतना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 14.7 लिखा हुआ है, ठीक, और इसको आप इतना कर लीजिए, ठीक। और ये देखिए बेस है, ये बेस थोड़ा सा देना है, तो बेस हल्का सा चंचनाहट, अगर वोकल में चंचनाहट नहीं है, वोकल में चंचनाहट और आपको ट्रैक में चंचनाहट देना है, तो इससे आप कर सकते हैं, पूरा चंचनाहट आ सकता है। तो इसको ज्यादा उतना ही नहीं करना है, नहीं तो वोकल और ट्रैक चंचनाने लगेगा, उसके वजह से आपका बड़े बड़े साउंड पे इसको यूज कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं तो आपका वोकल जो है फटने लगेगा। तो इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, इसको थोड़ा कम ही रखना है, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं, -13 से नीचे ही रखना है। ये देखिए -13 है, यहाँ पर 15 हो गया है, यहाँ पर माइनस ऊपर कर रहा हूं तो माइनस कम हो रहा है। तो कोई कोई सोचता है कि -14 है तो ज्यादा है, -13 से 14 -14 कम होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करना है, और आउटपुट यहाँ पर कीजिएगा तो -1.7 रहता है, तो इसको आपको 0 कर लेना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए कंप्रेसर, कंप्रेसर आपको ज़्यादा नहीं रखना है, मान चले 85 और 80 के बीच में रखना है कंप्रेसर, चाहे आप कम भी कर सकते हैं, इतना 80 भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ मैं 82-83 रखता हूँ, तो इतना करना है। और इसका वोकल देखिएगा, ये देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि फटने लगेगा, तो सुन लीजिए खुद आपको वोकल में सुना रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा बेस कम कर रहा हूँ यहाँ से लो मिड, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा अपने से। मैं देखिए ये सब में मास्टरिंग एक नहीं करना होता है, आपको अलग अलग सॉन्ग में अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, तो हल्का हल्का इधर उधर करना पड़ेगा आपको, आपको खुद सुनकर करना पड़ेगा।
मैं एक बेसिक आपको बता रहा हूँ कहा इससे मास्टरिंग इस तरीका से किया जाता है। ये देखिए वोकल मेरा अब ठीक बज रहा है। इसमें जैसे कि लगाया हूँ देखिए ई कंप्रेसर है और इसमें मैक्सिमाइजर है और एक डिले है और केवल मास्टरिंग है। ऑटो ट्यून भी बंद कर रखा हूँ मैं। तो इसी तरीका से मास्टरिंग करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो प्लगइन्स मैं यूज किया हूँ मास्टरिंग के लिए ये कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चलते चलते मैं बोलूंगा यही कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो हरदम आपके बीच लाता रहता हूँ। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चलते हैं जय हिंद।